गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। लास्ट क्लास में हमने नेम ऑफ द थिंग्स चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया था और आज हम नेक्स्ट चैप्टर ऑन द बस, ये देखिए ऑन द बस ये आपका न्यू चैप्टर है। अपनी बुक आपने जो ली है उसको सभी लोग ओपन कीजिए, ओपन योर बुक्स एंड रीड विद मी। लेट्स स्टार्ट। The wheels of the bus go round and round all through the town. The horn of the bus goes pom 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 all through the town. The children on the bus go la 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 all through the town. Read again. The wheels of the bus go round and round all through the town. The horn of the bus goes pom 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 all through the town. The children on the bus go la 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 all through the town. ये आपकी जो पोयम है ऑन द बस, ऑन द बस मतलब जो बच्चे, कुछ बच्चे हैं इस पिक्चर में, देखिए कुछ स्कूल के बच्चे बस में बैठे हुए हैं और ये पोयम किसी के बारे में है, ऑन द बस, बस के बारे में ये पोयम है। जैसे कि आप स्कूल आते हो, किससे आते हो, कोई बस से आता है, कोई वैन से आता है, तो उस आपको भी ये पोयम अच्छे से आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आपने भी वो एक्सपीरियंस किया है ना। आप भी बस में बैठते हो, आप भी स्कूल बस से आते हो जाते हो, तो उसी तरह से ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो बस में बैठे हुए हैं और बस के बारे में क्या बोल रहे हैं, आइए हम इसको पढ़ते हैं। द व्हील्स ऑफ द बस, व्हील्स, व्हील्स मीन्स क्या होता है, पहिया। आपने देखा होगा ना बस में पहिया होती है, साइकिल में पहिया होती है, बस में पहिया होती है, कार में पहिया यानी व्हील्स होती है, तो बिना व्हील्स के ये बस तो चल नहीं सकती। तो ये बच्चे व्हील्स के बारे में बोल रहे हैं, जो बस में व्हील्स यानी जो पहिए लगे हुए हैं। द व्हील्स ऑफ द बस, इसका मतलब कि जो बस के पहिए हैं गो राउंड एंड राउंड, कैसे चलते हैं, जब वो व्हील्स, बस की व्हील्स होती है वो कैसे चलती है, राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमती है ना, तभी तो बस आगे बढ़ती है। इसमें कहने का मतलब ये है, द व्हील्स ऑफ द बस, बस के जो व्हील्स हैं, जो पहिए हैं, वो कैसे चल रहे हैं, राउंड एंड राउंड मतलब गोल गोल, ऑल थ्रू द टाउन, सभी कहाँ पर जा रहे हैं, पूरे शहर में, टाउन मीन्स शहर में। द व्हील्स ऑफ द बस, बस का जो व्हील है, बस के जो व्हील्स हैं, पहिए हैं, वो कैसे चल रहे हैं, राउंड एंड राउंड ऑल द थ्रू टाउन, बस के जो पहिए हैं वो पूरे शहर में गोल गोल घूम रहे हैं। द हॉर्न ऑफ द बस गोस पॉम पॉम पॉम, तो आपने देखा होगा जब बस में आप बैठते हो तो बस में एक हॉर्न भी लगा होता है जिससे आवाज आती है, जब सामने कोई आ जाता है या रश होता है यानी बहुत भीड़ भाड़ होती है तो हॉर्न दिया जाता है ना, तो उस हॉर्न का, जो बस का हॉर्न है उसका साउंड कैसा है, कैसा साउंड आ रहा है, पॉम पॉम पॉम, कैसा, पॉम पॉम पॉम, द हॉर्न ऑफ द बस गोस पॉम पॉम पॉम। बच्चे कह रहे हैं कि द व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड, जो व्हील्स का, जो व्हील है बस का व्हील है वो राउंड एंड राउंड चले जा रहा है पूरे शहर में, और उसका हॉर्न, बस का जो हॉर्न है उससे कैसा साउंड निकल रहा है, पॉम पॉम पॉम, ऐसा ही तो साउंड निकलता है। ऑल थ्रू द टाउन, पूरे शहर में कैसा साउंड कर रहा है वो, पॉम 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 करके गोल गोल घूम रहा है। द चिल्ड्रन ऑन द बस गो ला 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 ऑल थ्रू द टाउन, जो चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, ऑन द बस, जो बस में बच्चे बैठे हैं वो ला 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 मीन्स वो सॉन्ग गा रहे हैं ला ला करके, वो पूरे शहर में घूम रहे हैं, मतलब
पूरे शहर में घूमने का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ से बैठ के अपने घर को जाते हो तो रास्ते में बहुत सारे बच्चे उतरते हैं, किसी की दूसरी रोड होती है, कोई दूसरी रोड को जाता है, तो पूरे शहर में ये बस क्या कर रही है, राउंड एंड राउंड घूम रही है। और कैसा हॉर्न है इसका, कैसा साउंड दे रहा है, पॉम 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 ऑल थ्रू द टाउन, पूरे शहर में। और जो चिल्ड्रेंस हैं यानी जो बच्चे बस में बैठे हुए हैं वो कैसे जा रहे हैं, ला 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 करते हुए, मीन्स सॉन्ग गाते हुए, ऑल थ्रू द टाउन, पूरे शहर में। स्टूडेंट्स वन मोर टाइम, द व्हील्स ऑफ द बस, द व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड ऑल थ्रू द टाउन, द हॉर्न ऑफ द बस गोज पॉम 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 ऑल थ्रू द टाउन, द चिल्ड्रेन ऑन द बस गो ला 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 ऑल थ्रू द टाउन। द व्हील्स ऑफ द बस मीन्स व्हील, जो बस का व्हील है यानी जो पहिए हैं बस के, वो कैसे जा रहे हैं, राउंड एंड राउंड ऑल द थ्रू द टाउन, कहाँ पर, पूरे शहर में। द हॉर्न ऑफ द बस गोज पॉम पॉम पॉम, और जो बस का हॉर्न कैसा हॉर्न दे रहा है, बस पॉम 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 ऑल थ्रू द टाउन, पूरे शहर में। द चिल्ड्रेन ऑन द बस गो ला ला ला, जो बच्चे बस में बैठे हैं वो ला 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 करके जा रहे हैं, गा रहे हैं, ऑल थ्रू द टाउन, पूरे शहर में। आई होप आपको ये रीडिंग करना आ गया होगा। अगर आपको रीड करना नहीं आया है, एक बार मैं फिर से इसको स्लोली स्लोली एक एक वर्ड बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और उसको वैसे ही प्रोनंसिएट करेंगे, वैसे ही आप उसको बोलेंगे, प्रोनंसिएशन वैसे ही करेंगे उसको। देखिए, द व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड ऑल थ्रू द टाउन, द हॉर्न ऑफ द बस गोज पॉम 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 ऑल थ्रू द टाउन, द चिल्ड्रेन ऑन द बस गो ला 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 ऑल थ्रू द टाउन। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये रीड करना आया होगा। आप अच्छे से 5 times रीड करेंगे, 5 times इसको आप रीड करेंगे और ये स्टोरी आपको लर्न हो जानी चाहिए और ये पोयम आपको लर्न हो जानी चाहिए। आप जब इसे इंजॉय करके बोलोगे, इंजॉय करके पढ़ोगे, तब ये आपको अच्छे से लर्न होगी। कैसे, द व्हील्स ऑफ द बस गोज राउंड एंड राउंड ऑल थ्रू द टाउन, द हॉर्न ऑफ द बस गोज पॉम 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 ऑल थ्रू द टाउन, द चिल्ड्रेन ऑन द बस गो ला 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 ऑल थ्रू द टाउन। तो बच्चों ये आपकी पोयम थी और इस पोयम को आपको पूरा रीड करना है अच्छे से और एक एक वर्ड को आपको उसको समझना है, कैसे उसे हमें बोलना है। ये सारे वर्ड्स, ये पोयम ऑन द बस है आपकी, सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए। और उसके बाद ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है, द बस हैज़, बस के कितने पहिए होते हैं, द बस हैज़, बस क्या है, राउंड व्हील्स, स्क्वायर व्हील्स या नो व्हील्स, कैसा व्हील है बस का, राउंड व्हील्स है ना, टिक करेंगे। द हॉर्न ऑफ द बस गोज, अभी आपने पढ़ा ना, हॉर्न कैसा है, पॉम पॉम कर रहा है ना, कि बॉम बॉम कर रहा है या डॉम डॉम कर रहा है, नहीं ना, पॉम पॉम पॉम, ये राइट आंसर होगा आपका। द चिल्ड्रेन ऑन द बस गो, जो बच्चे बैठे हैं वो कैसे जा रहे हैं, वाह वाह करके, ला ला करके या हाँ हाँ करके, तो ला ला करके जा रहे हैं, है ना। तो आपको ये बेटा ये पोयम आपको रीड करनी है कम से कम 5 times, तो आपको पढ़नी है, जिससे आपको ये पढ़नी आ जाएगी। और आपकी जो एक्सरसाइज मैंने बुक में बताई, ये बुक में फिल करिएगा। नेक्स्ट क्लास में ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग मैं लिखवाऊंगी कॉपी पर और इसके आगे की एक्सरसाइज कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।